हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार, आप शशि रंजन के नाम से हमको जानते हैं। अगला सोल्यूशन टेस्ट हुआ था SICI का, उसका सोल्यूशन आज देंगे। बहुत बच्चों का था कि सर बहुत टफ सोल्यूशन टेस्ट हुआ है, बहुत मुश्किल था क्वेश्चन, लेकिन आप सोल्यूशन देखकर ये पता लगा पाएंगे कि कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगला टेस्ट जो होना था 30 तारीख को, वो नहीं होगा। अगला टेस्ट आपका होगा 6 जनवरी को, आप उसमें भी उसी तरह से बढ़ चढ़ के भाग लें। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना माहौल बना है गया में, गया जैसे शहरों में बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, इतना क्वेश्चन बढ़िया होने के बावजूद भी। आइए सोल्यूशन देखें, इसका आसान क्वेश्चन है ये सब सारे, आइए देखते हैं। पहला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। ये लाइन कहता है कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों हर 5 साल बाद दुगना हो जाता है, तो 20 वर्ष बाद उनके मृषधनों का अनुपात क्या होगा। सवाल बहुत आसान था ये कि कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है साधारण ब्याज के में भी, और चक्रवृद्धि ब्याज में 5 साल बाद दुगना हो जा रहा है। साधारण ब्याज में अगर 5 वर्ष बाद दुगना हो रहा है, यानी कि 1 रुपया 2 रुपया हो जा रहा है, अर्थात 5 साल में ब्याज 1 रुपया दे रहा है, 5 साल में ब्याज 1 रुपया दे रहा है, तो 20 साल में ब्याज 5 साल में 1 रुपया, तो 20 साल में 4 रुपया ब्याज देगा, और ये 20 साल में 1 रुपया जो होगा, सो 20 वर्षों में 4 रुपया ब्याज के साथ 5 रुपया हो जाएगा ये अमाउंट, यानी कि 1 रुपया का 20 साल में अमाउंट होगा साधारण ब्याज में 5 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का बोल रहा था, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी दुगना ही हो जाता है हर 5 साल के बाद, साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी दुगना हो जाता है, यानी CI में भी 1 रुपया है, सो हर 5 साल बाद 2 रुपया बन जाएगा, यानी कि 1 से 2 रुपया होने में 5 वर्ष लगा है आपका CI में, प्रिंसिपल 1 से 2 होने में, यानी कि इसी तरह से हर 5-5 साल में 1 रुपया 2 रुपया बन जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया बन जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया बन जाएगा, और 5-5 साल के अंतराल पर ऐसा हो रहा है, तो यानी 20 साल में 4 बार ऐसा होगा, 5-5 के अंतराल में हो रहा है, तो हर 5 साल बाद ऐसा हो रहा है, ये आपको 5-5 साल के बाद 4 बार ऐसा होगा, और 20 वर्ष में ये हो जाएगा, 20 वर्ष में हो जाएगा 1 रुपया 16 रुपया हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष में CI से अमाउंट आएगा 16 रुपया और SI से अमाउंट आएगा 5 रुपया। यही इन दोनों का अमाउंट का अनुपात पूछ रहा था, जो कि हो जाएगा 5:16 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 1080 तथा 1260 रुपये हो जाता है। ध्यान देंगे, पहले तथा दूसरे वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में 1080 हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत में हो जाता है 1260, यानी कि ये दोनों मृषधन दिया हुआ है, तो इस राशि पर चौथे वर्ष का CI क्या होगा। ये सवाल था, चौथे वर्ष का CI पूछ रहा है, यानी कि पहला साल का CI है 1080, पहले साल का अमाउंट है 1080 हो जाता है, यानी अमाउंट है, दूसरे वर्ष का अमाउंट है 1260, ये दूसरे वर्ष का अमाउंट है, मृषधन है ये। अच्छा, हमें निकालना क्या है, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दर नहीं दिया हुआ था, यानी कि हमें यहाँ से दर निकालना था। ये देखिए, ये 1080 है और ये 1260 है, यानी कि इस पर ब्याज मिल रहा है 180 रुपया, 180 है, सो 1080 पर एक साल का मिल रहा है, यानी कि 1080 पर अगर 180 ब्याज मिलता है, यानी कि 1/6 भाग प्रिंसिपल का ब्याज मिल रहा है हमको हर साल, यहाँ पर भी 1/6 होगा, ये दूसरे वर्ष का अमाउंट है, मृषधन है, यानी तीसरे वर्ष का मूलधन होगा ये, इसको अगर हम निकालेंगे, इसका 1260 का 1/6 वाला 7 होगा, यानी 7/6 गुना होगा, तो ये तीसरे वर्ष का अमाउंट निकलेगा, तीसरे वर्ष का अमाउंट मृषधन, तीसरे साल का मृषधन निकलेगा, लेकिन हमें तीसरे वर्ष का मृषधन नहीं, हमें चौथे वर्ष का ब्याज निकालना है, यानी कि इस पर जो ब्याज मिलेगा वो चौथे वर्ष का ब्याज होगा, यानी कि 1260 पर 7/6 किए तो ये तीसरे वर्ष का अमाउंट मिला, इस पर हमें निकाल लेना है 1260 पर 7/6 जो भी आएगा उसका 1/6 करेंगे, तो ये चौथे वर्ष का, यानी तीसरे वर्ष के मृषधन पर चौथे वर्ष के लिए ब्याज आएगा, और ये काटेंगे आपको आंसर आ जाएगा, ये कटेगा 35 बार में,
और 35 × 245 आंसर आपका 245 होगा। मोहन तीसरा क्वेश्चन है मोहन किसी स्कीम में 1000 रुपया 5% वार्षिक दर से इस शर्त पर लगाता है कि 10 वर्ष में ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा। ऐसा शर्त है कि 10 वर्ष में ब्याज जो होगा सो मूलधन में जुड़ जाएगा। साधारण ब्याज है, ठीक है, कितने वर्ष में यह राशि 3000 रुपया हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है, आप समझ गए होंगे, 1000 रुपया लगाया गया है, 5% के दर से लगाया गया है, हर दस वर्ष बाद ये जो इससे ब्याज मिलेगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा। आपको पता है कि अगर 100 रुपया रहता तो 10 वर्ष में ब्याज 5% के दर से 50 रुपया मिलता, यानी 100 रुपया का 50% यानी कि आधा ब्याज मिल जाता। यहाँ पर भी वही हो रहा है, 1000 रुपया मूलधन है और 5% के दर से 10 वर्ष में ब्याज मिल रहा है, यानी कि 5% के दर से 10 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा इसका आधा मिलेगा, यानी कि 1000 का आधा। आप नहीं समझ में आता है तो निकाल भी सकते हैं आप कि 10000 रुपया का 5% के दर से 10 वर्ष में ब्याज काटेंगे। सर ये प्रतिशत ऐसे ही लिख दिए आपका, ये 2 × 10 = 5, यानी कि ये मिल जाएगा 500। अगले बार से हम काउंट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही देखेंगे 1000 रुपया पर 5% के दर से 10 साल का ब्याज, 100 रुपया पर 50 रुपया होता यानी आधा होता, तो 1000 का आधा कितना 500, यानी कि 10 वर्ष में ये जो मूलधन था वो हो जाएगा 1000 + 500 यानी कि 1500 रुपया। अब अगला 10 वर्ष में के लिए जो ब्याज है, जो मूलधन है वो 1500 है, अगला 10 वर्ष के लिए मूलधन जो है सो 1500 है, और ये 1500 फिर 5% के दर से 10 साल के लिए लगेगा। तो अब देखिए कितना हो जाता है, ये हमें 10 वर्ष हो गया, ये फिर 10 वर्ष में देखिए क्या होगा, 10 वर्ष में ये 1500 रुपया का आधा इसमें जुड़ जाएगा, चूँकि रेट तो वही है 5% के दर से 10 वर्ष का यानी 50%, यानी कि इसका आधा फिर, तो इसका 1500 का आधा कितना 7.5। आप निकाल के भी लेते तब भी 1500 का जैसे ये निकाले वैसे निकालते तब भी वही आता, और ये हो जाएगा 2250 रुपया, यानी कि 10 साल बाद फिर से 10 साल बाद 2250 रुपया हो गया वो धन जो कि 1000 था शुरू में। अभी बहुत 3000 हमें ले जाना है, कितने साल में होगा सो 10 10 20 साल हो गया। देखिए ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, अभी सारे ऑप्शन टक्कर में है। आइए देखिए अगला कहता है कि ये 2250 रुपया हो गया, अब कितना ब्याज करना है। अगर मान लो कि इसका फिर से 10 साल हो जाता, 30 साल तो ऑप्शन में था नहीं तो सोचना ही नहीं था, पहली बात हमें 30 साल से कम सोचना है, यानी कि 10 साल से अब कम लगेगा। हम सोच लेते हैं कि 2250 तो हो ही गया है, देखते हैं कितना ब्याज और चाहिए, तो 2250 पर ब्याज चाहिए। देखिए 3000 माइनस आप 2250 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको ये 750, अर्थात 750 रुपया और ब्याज चाहिए, और किस पर ब्याज चाहिए, यही 2250 पर, ये 700। अब देखना है कि कितना समय में 750 रुपया 2250 पर ब्याज मिलेगा 5% दर से। तो टाइम बराबर ब्याज 750 गुने 100 बटा मूलधन 2250 गुने रेट 5%, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 25 3 25 9 225 3 3 9 20 2500 20 बटा 3 साल सर 20 बटा 3 वर्ष और एक्स्ट्रा, यानी कि 10 10 20 साल और प्लस 20 बटा 3 यानी कि 6.2/3 यानी 26.2/3 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका सर। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, मोहन तथा रवि बराबर धन साधारण ब्याज पर क्रमशः 7% तथा 8% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए लगाते हैं, तथा रवि मोहन से 1.5 वर्ष पहले ही धन वापस ले लेता है। यदि प्रत्येक को 10500 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो प्रत्येक का मूलधन बताएं। दोनों का मूलधन बराबर था तो इसलिए प्रत्येक का मूलधन पूछ रहा है। एक जो मोहन है 7% पर लगाया है और रवि है 8% पर लगाया है। मोहन 7% पर लगाया है, रवि 8% पर लगाया है। मोहन हाँ तथा रवि मोहन से 1.5 वर्ष पहले ही धन वापस ले लेता है। अगर रवि टी समय के लिए धन लगाया है तो मोहन से 1.5 वर्ष पहले लेता है, यानी कि अगर मोहन टी वर्ष का लगाता है तो ये 1.5 वर्ष पहले
यानी टी माइनस डेढ़ वर्ष, डेढ़ वर्ष यानी 3/2 समय में ही पैसा वापस ले लेता है। और दोनों को प्राप्त ब्याज 10,500 प्राप्त होता है, यानी कि प्रत्येक को, इसको भी उतना ही ब्याज मिलता है उतना, यानी ब्याज भी यहाँ पर बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अगर कोई भी धन 100 रुपया मानते तो उस पर जो ब्याज मिलता है इसका, वो 7 × t मिलता। रेट इंटू टाइम 100 रुपया पर ब्याज होगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, आप जानते हैं। 8% पर अगर ये है तो यहाँ पर भी ब्याज 8t माइनस 8 × 3/2 यानी कि 4 × 12 ये मिलता ब्याज। और ये दोनों उससे प्राप्त ब्याज आपस में बराबर है। हालांकि ब्याज कितने के बराबर है, 10,500 का, लेकिन अभी यहाँ से समय निकाल लेंगे हम। पहले दोनों का प्राप्त ब्याज आपस में बराबर था, प्राप्त कर दिए बराबर, ये बराबर कर दिए दोनों को। यहाँ पर से आपका टी का वैल्यू मिल जाएगा 12 वर्ष, समय था 12 वर्ष, अर्थात 12 साल में ऐसा हो रहा था, 12 साल के लिए लगा हुआ था। तो हमें निकालना है मूलधन, हम रवि को छोड़ेंगे, पहले देखेंगे मोहन है, सो 12 वर्ष के लिए, पूरे समय के लिए 7% के दर से लगाया है और 10,500 रुपया ब्याज प्राप्त किया है। अर्थात 7% के दर से कोई धन 12 वर्ष में 10,500 रुपया प्राप्त होता है ब्याज, तो मूलधन कितना था, तो प्रिंसिपल बराबर ब्याज यानी 10,500 गुने समय 100 × 100 बटा रेट इंटू टाइम यानी 12 × 7, 7 × 12 एक ही बात है, काटेंगे 7 से, 15 times यानी 1500 बार में, 12 से कटेगा 125 times, और ये आंसर हो जाएगा आपका 12,500 रुपया। डी। पांचवा क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज CI और SI का अंतर का अनुपात 4:13 है, तो ब्याज की छमाही दर ज्ञात करें, छमाही दर ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 वर्ष का जो CI और SI का अंतर है और 3 वर्ष का जो CI और SI अंतर है उसका अनुपात दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर होता है PR² / 100², और 3 साल का CI और SI का अंतर होता है, मान लीजिए वो D3 है, तो 3 साल का ये D2, 2 साल का 2 डिनोट किया है, 2 साल का CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर को D2 बोल रहे हैं, 2 साल के लिए। 3 साल के लिए रहेगा तो हम D3 से डिनोट करेंगे, आप क्लास में देखे भी हैं। अब ये 3 साल के लिए होगा PR² 300+R/100³, ये होता है। यहाँ पर न 2 साल का साधारण ब्याज का दिया हुआ था, न 3 साल का, दोनों का अनुपात दिया है, यानी कि D2/D3 दिया हुआ है। और आप ज़रा देखिए, D2/D3 है, ऐसे हम बोलते भी हैं कि इसको हमेशा याद रखें, कई बार इसको यूज़ किया है, आपको ये हो जाएगा 100/300+R, याद रखना है, D2 वाला 100 होगा और ये D3 वाला 300+R होगा, ये अनुपात होगा 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तथा 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात ही होता है। अब ये अनुपात दे रखा था 4:13, यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते थे 4/13, कैलकुलेट करेंगे ये कट जाएगा 25 बार में, और ये 13 से 25 गुना करेंगे तो 325 आएगा, और ये आएगा 300+R, आर बराबर आपका यहाँ से 25% आ जा रहा है, लेकिन ये आर वार्षिक वाला था, यहाँ पर छमाही दर पर पूछ रहा है, यानी कि जो दर है 25 उसका आधा हो जाएगा, यानी 12.5% इसका आंसर होगा, आंसर था इसका 12.5%। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर कहता है, कोई धन साधारण ब्याज पर दी गई दर से 2 वर्ष तथा 5 वर्ष में क्रमशः 704 और 800 रुपये हो जाता है, ये SI पर है साधारण ब्याज पर, तो उस दर के दुगने दर से, ये सब लास्ट में जो घुमाता है यार, ये ध्यान देना है, यही सब लास्ट में आंसर लगाते वक्त दिक्कत हो जाता है। दर के जो यहाँ से दर मिलेगा उसके दुगने दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वही धन 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब कि कोई धन 2 वर्ष में SI के दर से, साधारण ब्याज के दर से 704 हो जा रहा था, और 5 वर्ष में वही धन हो जा रहा था 800, यानी कि ये अमाउंट है, अर्थात 3 वर्ष का हम जब अमाउंट का अंतर निकालेंगे तो वो ब्याज मिलेगा,
तो 3 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 3 साल का ब्याज जो होगा सो घटाएंगे 96 आ जाएगा, 800 में से 704 96 आएगा, 3 वर्ष का ब्याज आएगा। लेकिन हम या तो 2 वर्ष का या 5 वर्ष का निकाल लेंगे। मान लो हमें 2 वर्ष का निकालते हैं, 3 वर्ष का 96 रुपया, तो 1 साल का 32 रुपया, 3 वर्ष का 96 रुपया तो 1 साल का 32, तो 2 साल का 64 रुपया, 32 गुना 64, 2 साल का 64 रुपया, 2 साल का 64 रुपया हो गया। यानी कि हमारा 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया हुआ है SI। जब मृषधनों को घटाएंगे, ध्यान देंगे, ये SI आता है, ठीक है, तो 64 रुपया SI आया 2 साल का, और 2 साल का अमाउंट कितना था 704, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा 704, 2 साल का ब्याज को घटा देंगे उसमें से, और ये आ जाएगा हमारा 640 रुपया, 640 रुपया प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल 640। अब इसी प्रिंसिपल पर उस दर के, यानी पहले दर निकालना होगा हमको, 640 रुपया मूलधन है, 2 साल का ब्याज 64 रुपया है, तो दर यहाँ से मिल जाएगा हमको आसानी से 2 साल का, ये आप देख लो, ये कट जाएगा 64 से 64, यानी कि 5% दर हुआ। 5% दर ही भले ही है, लेकिन जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसी धन पर दुगने दर से निकालना है। यानी कि धन अगर 640 है तो दर 5% था, तो 10% के दर से निकालना है हमको, इसके दुगने दर से, यानी 10% के दर से निकालना है 640 पर कितने साल का, उस दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 साल में 10% का मतलब होता है 1/10, ये 2 वर्ष दुगने दर सा था इसलिए इसके 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई धन 10 से क्या होगा सर, 11 होगा 1 साल में, फिर अगले साल में 10 से 11, यानी कि कोई धन शुरू में 100 रुपया होगा तो 1 साल बाद 121 हो जाएगा, 100 रुपया पर 121 रुपया, मूलधन कितना है 640, यानी कि यही जो 100 रुपया है सो वास्तविक में 640 रुपया है, अर्थात 100 अगर 640 रुपया है सर, तो 121 रुपया मृषधन पूछ रहा था यहाँ पर कितना हो जाएगा मृषधन, 121 निकालिए, काटेंगे आप जो भी कैलकुलेट करके आता है, ये कैलकुलेट करके आएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट करके आएगा 7744 और पॉइंट एक बैठेगा इतना, यानी कि 774 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 1600 रुपया में खरीदी जा सकती है, परंतु वही वस्तु 400 रुपया नगद, 450 रुपया के 3 समान वार्षिक किस्त में भी खरीदी जा सकती है, तो दर ज्ञात करें। साधारण सा सवाल था ये किस्त का, कि 1600 के समान है, 400 पहले जमा कीजिए, 450 के 3 किस्त दीजिए बराबर किस्त, और आप सामान ले जा सकते हैं, या तो 1600 नगद दीजिए या ऐसे, यानी कि अगर वो 1600 न देकर 400 वाले पे राजी हो, चाहे पहले 400 दे उसके बाद 450 का 3 किस्त दे, तो 450 का 3 किस्त देगा तो 450 × 3 यानी 1350 रुपया उसको वैसे हो जाएगा, और शुरू में 400 यानी 1750 रुपया टोटल देना होगा। इसको ऐसे लिखिए, 1600 रुपया का सामान था, 400 रुपया शुरू में दिया होगा, और 450 का 3 किस्त है, यानी कि टोटल चुकाया होगा ये 1350, ये है 1750 टोटल चुकाया होगा 1600 के सामान का, यानी कि 150 रुपया ब्याज हो गया। ये 150 ब्याज कैसे मिल रहा होगा सर, तो 150 ब्याज सबसे पहले तो 400 नगद दे दिया था, 1600 के सामान का 400 नगद दे दिया, यानी 1200 लेके गया कर्जा उसका। अब 1200 रुपया पर 8% के दर से पहले ब्याज लगेगा, 1200 रुपया पर 8% के दर से 1 साल का ब्याज यही लगेगा, फिर अगर अगला साल आएगा तो 1200 रुपया में से 450 दे देगा, क्योंकि 450 का किस्त है, यानी कि 750 रुपया फिर बचेगा, 750 8% के दर से 1 साल का ब्याज फिर यही होगा। आप इतना मैं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग कॉमन लेके भी कर सकते थे, लेकिन लिख देते हैं, आप समझ लोगे बेहतर ढंग से, फिर जान जाते हो कैसे कैलकुलेट करना है। 750 रुपया था बचा था दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब 750 रुपया अभी बचा हुआ था, अगला 450 फिर देगा, बचेगा 300 रुपया, और 300 रुपया फिर देगा 8% के दर से अंतिम में, और ये इसका रफा दफा करेगा पूरा सामान का मूल्य, यानी 1750। अब देखिए जरा सा, इस पर से आप 8/100 कॉमन ले लेंगे, मिलेगा जुटेगा ये 1200 + 750 + 300, कैलकुलेट करेंगे आप
तो ये मिलेगा आर बटा सौ गुने 2250, और ये 150 था। काटेंगे आप इसको, 100 से 100 कैंसिल, 15 दहिया 150 और 15 15 है 225, ये कटेंगे 2 5 10 3 5 15, यानी 20/3 आ रहा है। आर बराबर 20/3, 20/3 इज नथिंग बट 6.2/3%, आंसर बी। सर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दर को 8 गुना समय को 5 गुना कर दिया जाए तो किसी धन पर ब्याज प्राप्त ब्याज इतना हो जाता है 2560। यदि दर तथा समय वास्तविक रखा जाए तो मूलधन से दुगनी राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल रेट और टाइम के अनुसार के रिस्पेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। साधारण ब्याज PRT के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये बटा में सो है, ये होता है प्रिंसिपल में बदलाव, रेट में बदलाव, टाइम में बदलाव, उसके अनुसार ब्याज बदलता है। यहाँ पर 8 गुना कर दिया गया, दर को, समय को 5 गुना, मूलधन को कुछ नहीं किया गया, यानी कि जो ब्याज पहले मिलता उससे 80 गुना ब्याज मिलेगा, क्योंकि 8 गुना कर दिया गया है दर को और 5 गुना कर दिया गया है समय को, तो 40 गुना ब्याज मिलता पहले से। लेकिन यदि 40 गुना ब्याज मिलता तो कितना मिला है पता है, 2560, यानी कि ये 40 के चलते ब्याज मिला है 2560। तो कहता है कि यदि दर तथा समय वास्तविक रखा जाए, यानी दर और समय में कोई बदलाव नहीं किया जाए, लेकिन मूलधन से दुगनी राशि पर दर और समय वास्तविक रखा जाए लेकिन मूलधन को दुगना कर दिया जाए, दुगना राशि पर ब्याज निकाला जाएगा, तब ब्याज क्या होगा। तो मूलधन का दुगना राशि, यानी केवल मूलधन को दुगना किया गया है। अब मूलधन को दुगना किया गया है यानी कि दो के लिए ब्याज ढूंढता है, तो 40 के लिए ब्याज, 40 गुना के लिए ब्याज 2560 था, तो दुगना होगा तो कितना होगा। तो भाई ऐसे कर सकते हैं आप, 40 के लिए 2560 ब्याज मिल रहा था तो दो के लिए ब्याज कितना होगा, ये कटेंगे 2 2 4 128, इसका आंसर होगा, ये कट जाएगा, सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, लल्लू ने 1,10% साधारण ब्याज की दर से बैंक से कर्ज लिया तथा 5 वर्ष में किस्तों में वापस किया। यदि प्रथम 4 किस्त 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 हो तो अंतिम किस्त क्या है। जब किस्त में पैसा दे रहा है तो सबसे पहले देखना है कर्जा कितना लिया है, 1,00,000 लिया है, 1,00,000 लिया है ये कर्जा, 10% दर इस पर निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तो 1,00,000 लेके जाएगा, 10% उस पर ब्याज उसका लग जाता, इसका 10% निकालेंगे, 20 कैंसिल होगा, यानी कि 10,000 रुपया इसका ऐसा ही होता है, 10,000 रुपया। लेकिन पहला किस्त दे देता है 10,000, यानी कि अब बैंक का अगर 10,000 दे देगा तो बैंक का कर्जा होगा लल्लू के पास 90,000 रुपया का। फिर 90,000 पर 10% ब्याज दे देगा तो 10% ब्याज 90,000 का कितना हो जाएगा, 10% ब्याज 90,000 का तो 9,000। उसी तरह से फिर देगा अगला किस्त 20,000 का दे देगा, तो यानी 20,000 दे देगा इसमें से 90,000 में से, तो 70,000 बचेगा। ये 70,000 पर 10% के दर से ब्याज होगा वो 7,000 होगा, यहाँ पर ज़्यादा लिख दिए शायद, ज़्यादा लिख दिए, ये 9,000, ये 7,000 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। फिर 70,000 में से दे देगा आपका 20 दिया था, अगर 30 दे देगा तो बचेगा 40,000, यानी 40,000 पर ब्याज लगेगा 10%, और 40,000 पर 10% ब्याज लगेगा तो ब्याज मिलेगा हमको कितना, 4,000 रुपया। अब अगर 40,000 फिर वापस कर देता है तो फिर 40,000 अगले बार वापस कर देगा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि कुछ धन ही नहीं बचा तो उस पर ब्याज क्या लगेगा, यानी कोई ब्याज नहीं लगेगा। अंतिम वाला जो था 40,000 वापस करने के बाद कोई धन बचा ही नहीं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, अर्थात टोटल ब्याज जो हमारा लगने वाला है अभी जो 1,00,000 में जो था धन वो सब चुका दिया, 1,00,000 में से सब चुका दिया, यानी कि उसमें से कोई पैसा नहीं देना है,
जो देना है सो जो जितना ब्याज हुआ है वही जोड़ कर देना है। और ब्याज हुआ क्या है, 7, 4, 11, 9, 20, 10, 30, यानी कि 30,000 रुपया ब्याज हुआ था वही लास्ट किस्त में देगा और अपना कर्ज से छुटकारा पाएगा, अर्थात आंसर इसका बी होगा। प्रश्न संख्या 10, सुशील 10 लाख में एक होटल तथा बरखा 16 लाख में एक कार खरीदे। होटल का मूल्य प्रतिवर्ष 20% बढ़ता है जबकि कार का मूल्य 25% घटता है। 3 वर्ष के बाद दोनों के मूलधन का अंतर ज्ञात करें। देखिए ये कन्फ्यूज करेगा, 3 वर्ष बाद दोनों के मूलधन का अंतर, आप सब जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में सीआई में जो 3 वर्ष बाद होगा वो हर मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन होता है, तो कोई मैटर नहीं करता, यानी कि 3 वर्ष के अंत वाला हमें निकालना है। 10 लाख शुरू में था, 10 लाख, हाँ 10 लाख, ये 10 लाख का होटल था सुशील का, और बरखा का होटल है, ये बरखा का कार है, कार का दाम हर वर्ष घट रहा है जबकि होटल का मूल्य बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, ये कहता है कि 20% के दर से बढ़ता है मूल्य होटल का जबकि 25% के दर से घटता है कार का। 20% का मतलब आप जानते हैं 1/6, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 1/6 हर साल बढ़ता है, यानी 6 से 20% बढ़ता है, 1/5 बढ़ता है। 20% का मतलब 1/5, यहीं पर देखेंगे 1/5, और 25% का मतलब 1/4, यानी कि ये हर वर्ष बढ़ता है 1/5, यानी 5 से 6, 5 से 6, और 3 साल तक बढ़ा है जी, 3 साल तक बढ़ा है, तो 5 से 6, 5 से 6 3 बार, यानी कि 125 का कोई सामान होगा तो उसका दाम हो गया होगा 216 बढ़कर 3 साल के बाद। और यहाँ पर 25% घटता है, यानी कि 1/4 घटता है, यानी 4 वाला 3 होता होगा, और ऐसा 3 बार हुआ, 4 वाला 3, 4 वाला 3। और इस तरह से प्रिंसिपल अगर 4 चौका 16 चौका 64 था तो हो गया होगा उसका दाम 3 3 9 3 27। ये देखिए ये था, ये 16 लाख है यहाँ पर, ये 10 लाख, 10 लाख से बढ़कर ये इस तरह से हुआ और ये घटा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन हम लोग चेक करेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे ये होता क्या, हमको निकालना क्या था, इसमें देखिएगा, इसको 125 था, 125 था, सो था आपका 10 लाख, 10 पर 5 0, 10 लाख, तो हमें निकालना था, दाम हो जाता 3 वर्ष बाद 216, ये काटेंगे आप तो मिलेगा आपका 125 से एक 1000 कटेगा 8 बार में, यानी कि 8000 गुने 216 आप कर लोगे कैलकुलेट। वैसे हम लास्ट डिजिट से भी करते हैं, जैसे यहाँ पर ही आ गया, अभी निकाल लेना इसको, यहाँ पर मैं देखता हूँ अनुमान कैसे लगाते हैं हम लोग, सो 64 है सो आपको 16 लाख हो जा रहा है, यानी 64 है सो 16 लाख मूलधन ये था लेकिन वास्तविक मूलधन ये है, घट के 27 हुआ, यानी कि 64 वाला 27 हो जा रहा है। ये काटते तो 16 चौका 64 4 बार में कटता और ये 4 से 2 0 25 बार में कटता, यानी 25,000 यहाँ था, यानी कि हमारा जो ये आता वो 25 ये आता जो 25,000 × 27 आता, 25,000 × 27, और यहाँ पर जो आता सो देखिएगा क्या आता, 8000 × 216 आता। हमें अगर आंसर लगाना होता तो हम पहले करते लास्ट टू डिजिट से, कहें कि 8, 6, 48 8 और 7, 5, 35 5 में से दोनों 8 में से 5 गया, 3 सभी में था, 3 0 तो होना ही है, कहें कि ये 3 0 रहेगा ही, सब में था, यानी कि एक डिजिट और देखना था, तो हम ऐसा करते हैं 16, 28 से, यानी 16, 8 + 128 लिखते हैं इसका, और इसका 25, 7 जा करते हैं, 25 × 7 = 175, 175, अगर इसका 175 और 128 आप देखेंगे तो 128 और 175 घट के आ रहा है आपका लास्ट में 3, और ये एक आएगा 7, 3, 7, 5, 12 53 आ रहा है, यानी कि 53 वाला एक ही ऑप्शन में था, ये आंसर आता, आप कैलकुलेट करके देखना वही आंसर आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आसान सा सवाल था, यहाँ के बाद से कुछ क्वेश्चन आसान दिए गए थे, हम लोग पहले वाले सवालों में लग गए और ज़्यादा समय दे दिए, बेहद आसान था। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में 2800 से 3664 हो जाता है,
2800 से 4.5 वर्ष में 3664 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। मतलब साफ है कि 3% रेट बढ़ा है। आपको ज्ञात है कि SI में बदलाव, SI में साधारण ब्याज में बदलाव प्रिंसिपल रेट या टाइम में बदलाव के कारण होता है, और प्रिंसिपल रेट और टाइम में बदलाव के कारण SI में बदलाव होता है, और SI में बदलाव होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम के कारण, और अमाउंट में यानी मृषधन में बदलाव होता है SI के बदलाव के कारण। यानी कि यहाँ पर कहता है कि 2800 से 3664 हो गया है, राशि 3664 हो गया है। ये बोलता है कि तो बताइए अगर रेट 4% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया जाता तो कितना हो जाता। यार 3% बढ़ता तो 2800 पर बाकी तो वही बढ़कर होता। 3% के कारण जो ब्याज बढ़ने वाला है वो हम ज्ञात कर लेंगे। 3% के कारण ब्याज 4.5 वर्ष यानी 9/2 साल में आप देखोगे आराम से ये निकलेगा। 14 × 2 = 28, 44 × 42 = 9 कर लो आप, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36 और 137 378 आप इसमें जोड़ोगे आपका प्राप्त आंसर हो जाएगा। चूँकि ये हम जो निकालें 3% के दर से साढ़े जितना बढ़ रहा था रेट उसके अनुसार से जो बढ़ेगा वो ये है। आराम से जोड़ेंगे 8 × 4 = 12 × 2 = 1 7 × 6 = 14 7 × 3 = 10 0 3 × 4 = 40 42 आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन आसान सा 12 क्वेश्चन नंबर। कैटरीना ने दीपिका से 3 वर्ष के लिए 12% की दर से 6400 रुपया उधार लिया। हाँ दीपिका अमीर है थोड़ा अभी के समय में। दीपिका से 3 वर्ष के लिए 12% के दर से 6400 रुपया कैटरीना उधार लेती है, और कैटरीना उसमें कुछ धन मिलाकर 16% के दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि देखिए 12% पहले था अब 16% हुआ, यानी कि 4% बढ़ाकर रणवीर को उधार दे देती है। बताओ कैटरीना रणवीर को उधार दे रही है, उसमें उसको 960 रुपया लाभ होता है कैटरीना को। यानी दीपिका से कैटरीना उधार ली कुछ, उसमें कुछ पैसा मिलाकर रणवीर को दी, जिससे 3 साल में 960 रुपया लाभ होता है। देखिए ये 960 रुपया दो कारणों से लाभ हो रहा होगा। एक तो 6400 रुपया का ये 12% पर ली थी दीपिका से, और ये रणवीर को दी 16%, यानी 4% तो 6400 पर ऐसी फायदा हुआ 3 साल में। तो सबसे पहली बात तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ होगा, जितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया होगा उस पैसे पर भी 16% के दर से 3 साल में फायदा हुआ होगा। मतलब आसान सा क्वेश्चन, 960 टोटल फायदा हुआ। पहले हम देख लेंगे कि 6400 के लिए कितना फायदा हो रहा था। तो 6400 के लिए 6400 के लिए 4% फायदा था 3 साल में। आप देखो ब्याज कितना मिलता है इस पर एक्स्ट्रा ब्याज, मतलब कि कैटरीना को दीपिका से एक्स्ट्रा कितना मिलता है सो देखिए, 4 × 3 = 12 / 48 और 12 × 6 = 72। आप ये देखोगे 768 है, यानी कि 768 रुपया अधिक मिला होगा पहले फायदा, यानी 6400 के कारण। ये एक्स्ट्रा पैसा लगाया है उसके लिए नहीं, 6400 के कारण। अब हम पहले 960 में से ये घटा लेंगे 768, ये जो राशि मिलेगा यह राशि देखो 192 मिलेगा। यह राशि वही जो एक्स्ट्रा कैटरीना पैसा लगाती है वो उसके लिए मिलेगा 192 रुपया एक्स्ट्रा धन लगाती है उसके लिए। अब हमें निकालना भी वही था कि कितना पैसा मिलाया था, जो मिलाया था वो धन निकालना था। यानी कि 192 रुपया ब्याज मिला 16% के दर से 3 साल में एक्स्ट्रा, यानी कि यही धन किस धन के लिए मिला होगा ब्याज, ये 192 रुपया जो ब्याज मिला वो किसके लिए मिला होगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा, किस प्रिंसिपल के लिए मिला होगा 16% के दर से 3 साल में। 16 से काटेंगे इसको एक बार में, 16 × 2 = 32, 3 × 4 = 400 रुपया, यानी 400 रुपया एक्स्ट्रा लगाया था। ये सवाल पिछले सवाल की भांति थोड़ा सा है। ये इसमें आप जानते हैं कि प्रिंसिपल रेट और टाइम के समानुपाती प्रोपोर्शनल आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम PRT के प्रोपोर्शनल होता है आपका SI। यानी कि प्रिंसिपल में बदलाव कीजिए, रेट में बदलाव कीजिए या टाइम में बदलाव कीजिए, अल्टीमेटली बदलेगा SI। और यहाँ ये बात भी ध्यान देना है, आप प्रिंसिपल में कुछ कर रहे हैं रेट में कुछ कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। मैं कहूँ कि प्रिंसिपल में दुगना हुआ, मैं कह दूंगा समय में दुगना किए, बात एक ही है। प्रिंसिपल में दुगना हुआ या समय में दुगना हुआ तो बात तो एक ही है। यहाँ पर भी देखिएगा जरा,
कहता है कि धन को 2 साल बाद दुगना किया गया। यार मेरे पास समय है, धन तो पता नहीं था, मैं 2 साल के लिए समय को 2 साल ही रखा, क्योंकि 2 साल में प्रिंसिपल रेट टाइम कुछ नहीं बदला, यानी 2 साल के लिए समय 2 साल। लेकिन अगले 2 वर्ष के लिए क्या हो रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं, एक बार देख लीजिए जरा सा। धन 2 साल बाद दुगना एवं उसके अगले 2 साल बाद दर को दुगना कर दिया जाए तो 6 साल में साधारण ब्याज 2100 मिलता है। यदि धन और दर सभी समान रहे तो ब्याज कितना मिलेगा, मतलब कि कुछ ऐसा किया गया है कि पहला 2 साल के लिए वही धन रेट और टाइम रहा, अगला 2 साल के लिए केवल धन को दुगना किया गया है। देखिए भाई मेरे पास तो धन है नहीं, कुछ नहीं है बेचारा, धन कुछ नहीं है मेरे पास, यानी कि मेरे पास समय दिया हुआ है, मैं धन को दुगना करूं या टाइम को दुगना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली ब्याज उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब कि मेरे पास समय है तो मैं समय को दुगना कर दूंगा, यानी 2 दुना 4 मिला 2 साल के लिए, लेकिन मैं धन दुगना हुआ था इसलिए मैं समय को दुगना मानकर चल रहा हूं। अगला 2 साल के लिए क्या होता है सो देखिए, उसके अगले 2 वर्ष के लिए दर को भी दुगना कर दिया गया, अर्थात धन पहले से दुगना था, दर को दुगना किया गया, यानी 4 था पहले से 4 मिल रहा था, 4 वर्ष के लिए मिल रहा था, अब 8 के लिए होगा, यानी कि जो पहले 6 साल का ब्याज मिलता वो मेरे ये इसको हम 2 को 4, 2 को 2 वर्ष 4 और 8 के लिए, यानी कि 4 दो 6 8 6 14 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वही मिलेगा इनके मूलधन दर और दर को बदलने से। हम समय को ही बदल देते हैं, मैं कई बार इसको क्लास में चर्चा किया। और अब अगर ऐसा है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बाय द वे तमाम छात्र जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको तो पता लग रहा होगा, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिएगा 14 वर्ष के लिए जो ब्याज मिल रहा था वो था आपका 2100, हमें चाहिए था 6 वर्ष का ब्याज, अगर नहीं बदलता कुछ तो 6 ही रहता, 6 वर्ष 6 रहता, बदलने के कारण 14 हुआ, यानी 14 वर्ष के लिए ब्याज 2100 रुपया, तो 6 वर्ष के लिए कितना, 14 7 21 और 7 2 14 ये 300 हो रहा होगा, 150 बार में कटेगा, 15 6 90 यानी कि 900 रुपया ही ब्याज मिलता यदि मूलधन और दर में कोई बदलाव नहीं होता। ये क्वेश्चन था। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 2560 रुपया एक बैंक में 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है और प्रत्येक 2 साल में 2 साल के बाद ब्याज को बैंक में ही जमा रखता है, मतलब कि हर 2 साल का जो ब्याज होता है उसको बैंक में फिर से डाल देता है, कहने का मतलब ये था इसका, और 6 वर्ष के समाप्ति पर ब्याज के रूप में कितना होगा, यानी कि अगर ब्याज को फिर से मूलधन में जोड़ दिया जाए तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, वो 2 साल के ब्याज को डाल रहा है फिर से मूलधन मूलधन के साथ जोड़ रहा है, बैंक में ही जमा कर दे रहा है, यानी कि 2 साल का जो है 2 साल के इंटरवल पर ये CI लग रहा होगा। आइए देखें, 6.4% के रेट से था, यानी कि रेट लग रहा था हमको 6 6 का 24 1 25 4 यानी कि 1/16% हटाकर करेंगे आप, अर्थात 1/16 रेट लग रहा था हर सालाना। अब क्या कर रहा है कि 2 साल का ब्याज को बैंक में जोड़ रहा है, हमें काम करते हैं 2 साल का रेट निकाल लेते हैं और उसको फिर समझते हैं कि वो बैंक में जब लगा दे रहा था तो वो CI के रेट से होगा 2-2 साल के इंटरवल पर, और 6 साल का है यानी 2-2 साल के इंटरवल पर 3 बार, इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का जो रेट लगता है वो निकालेंगे, 1 साल में 1/16 तो 2 साल में 1/8 ब्याज लगता, 1/8 रेट से लगता और 2-2 साल के पर जो जुड़ते जा रहा है मूलधन में, यानी कि 2-2 साल का होता है, 2-2 साल के इंटरवल पर CI होता और 3 बार होता, तो यानी कि 8 का 9 8 का 9 8 का 9 3 बार होगा, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, आप जानते हैं इस तरीके को, 8 8 512 हो जाएगा ये, और ये 729 हो जाएगा, घटाकर आएगा आपका 217, यानी कि 512 रुपया धन अगर शुरू में लगा होता। अच्छा ये 3 बार क्यों किए, क्योंकि 6 वर्ष का था और हमें 2-2 साल का करके CI लग रहा है, 2-2 साल का ब्याज जुट रहा था, उसको 1 साल मानकर ऐसे कर रहे हैं, यानी कि 217 रुपया ब्याज मिलता, CI मिलता 512 पर, लेकिन धन है 512 नहीं बल्कि ये है आपका 2560, यानी 512 है वास्तविक 2560 है, तो हमारा ब्याज मिलेगा 217, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से 21 25 75 से 105 के करीब, यानी कि 1085 आ जाएगा, ये आंसर है। ये सवाल प्रीवियस क्वेश्चन था, इस टाइप का आपको मिल जाएगा आप कई बुकों में क्वेश्चन,
ये समय बचाने के लिए भी क्वेश्चन था, ये देखते बता देना था कि ये क्या है। पहले समझ लेते हैं, है किसी धन पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, किसी धन पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज एस आई, उसी धन पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 25% अधिक है। मतलब कोई धन था उसमें 10% 10 वर्ष में ब्याज मिल रहा है, सो उसी धन पर 5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो आपस में ब्याज से 25% अधिक है। देखिए ब्याज अधिक हो रहा होगा, कोई प्रिंसिपल रेट या टाइम ये तीनों में से कोई बदला होगा, अभी धन वही है। आगे देखते हैं, ब्याज अलग अलग मिल रहा है लेकिन धन वही है। आगे देखते हैं, यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर भी समान है, सर ब्याज की दर भी समान है, समय अलग अलग है, दर समान है और ब्याज बदल रहा है, आप देखें तो जरा 10 वर्ष समय है 5% 5 वर्ष यहाँ पर समय है, 10 वर्ष और 5 वर्ष समय है यहाँ पर, यानी कि जो बदलना चाहिए समय के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, यानी कि इससे दुगना होना चाहिए ब्याज, दुगना भी नहीं है, रेट में कोई बदलाव नहीं है। अब पूछता ये भी है कि दर क्या है, तो ये पॉसिबल है क्या कि दर निकाला जाए जबकि समय में बदलाव हो रहा है और ब्याज में बदलाव हो रहा है, यानी यहाँ पर कहा जा सकता था कि रेट तो बदला नहीं है, प्रिंसिपल बदला नहीं है, यानी कि जो समय में बदलाव हो रहा है वही रेट वही ब्याज में बदलाव होना चाहिए था। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत दिया है कि 25% ही बदलाव हो रहा है, अधिक हो रहा है क्या ब्याज, जबकि अधिक होना चाहिए था 5 से यानी दुगना हुआ है, 100% अधिक होना चाहिए था। ये पहली बात तो क्वेश्चन गलत है, और अगर ये गलत नहीं था ऑप्शन में तो आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लगा सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न संख्या 16, किसी धन राशि पर 5% के दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 है, 5% के दर से 4 वर्ष में, उसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यहाँ भी सी आई और एस आई का अंतर, यहाँ भी सी आई और एस आई का अंतर, यहाँ पर दर 5% के दर से 4 वर्ष का, यहाँ पर 20% के दर से 1 वर्ष का, ब्याज तो वही आना है, 5% के दर से 4 वर्ष का कहिए या 20% के दर से 1 वर्ष का। लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, हालांकि इसका कोई विशेष यूज नहीं था, वैसे समझ लीजिए ब्याज जब तिमाही संयोजित होता है तो होता क्या है, तिमाही संयोजित यानी कि क्वार्टरली, साल भर में 3-3 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी 3-3 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी साल भर में 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। और ऐसे केस में करते क्या हैं, रेट को 1/4 करेंगे और समय को 4 गुना करेंगे, आप जानते हैं इसको, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये 20% यहाँ पर भी था, 20% यहाँ पर भी था, इसलिए आंसर 225। बेहतर सवाल था ये 18, बेहतर सवाल है ये, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आप उसको जरा ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे आप बनाते हैं बड़ा लंबा है। एक क्वेश्चन देखेंगे 18, ए ने बी से 8000 रुपये उधार लिया, पहले 4 वर्ष के लिए सामान्य दर 6%, अगला 6 वर्ष के लिए 5% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 9% था। अच्छा, यदि ए ने कुल 6400 रुपया साधारण ब्याज भुगतान किया तो वह कितने समय तक उधार रखा। यहां पर हमें समझना था कि 8000 रुपया का 6400 भुगतान किया है, इसका मतलब कि जो रेट और टाइम होगा वो 50 मतलब जो रेट और टाइम का होगा वो 100 का 50% से अभव होगा, क्योंकि इसके 50% से अधिक है ये 6400। पहली बात आपको जरा सा समझना था कि 4% का, मान लीजिए 100 रुपया कर्जा लेता, मान लीजिए 100 रुपया लेता तो 4 वर्ष में 6% के दर से 6×24 रुपया देता ब्याज, और 6 वर्षों के लिए 5% के दर से 30 रुपया देता, 24 और 30 आपका 54 रुपया होता, यानी 50% से अभव, थोड़ा सा 50% से अभव। लेकिन आप देखिएगा तो ये 80% के करीब है, 50% से काफ़ी ज़्यादा। आप एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 6400 रुपया है कितना परसेंट 8000 का, आइए देखते हैं 6400 8000 का कितना परसेंट है, आप काटेंगे 00 से, ये ऐसे 80% है, 80% यानी कि हमें 100 रुपया पर यहाँ पर होना चाहिए था, और मेरा भी है कितना, ये जो 4 वर्ष और 6 वर्ष को मिलाकर तो केवल 54% है,
54% यानी कि पहली बात तो ये 4 वर्ष नहीं होगा और ये 10 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 6 4 10 वर्ष हो गया, इतना से ज़्यादा ही लगेगा। अब एक नन था एक 15 था, तो कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। आइए देखिए, 54% मिला है और हमें 9% के दर से आगे देना है। 54% है ये और हमें होना चाहिए था 80, यानी कि 80 में 54 घटाएंगे मिलेगा ये 6 और 5 2 7 26%, यानी कि 26% 9% के दर से कितना साल का लगाते कि 100 रुपया पर 26% आता, तो ये 9 से भागा देंगे तो मिलेगा 9 3 27 9 2 18 2 के अप्रॉक्स 2 पूर्णांक समथिंग 9 2 18 8 26 2 पूर्णांक 9 8, यानी कि इसका आंसर आता कितना था यहाँ पर आपका 2 पूर्णांक 8/9% अधिक आता, वर्ष अधिक आता, ये समय आता ना, क्योंकि आपका रेट तो ये 9% है, कितना समय और रहता कि ये 26/9 आना चाहिए था। तो आप देखिएगा ये आता, अब कोई फ्रैक्शन में आंसर था नहीं यहाँ पर नन आंसर होगा इसका, 15% आंसर, 15 वर्ष नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वह सबसे छोटे पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धन 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से स्वयं का 4 गुना से अधिक हो जाएगी। क्लास में करवाया हुआ सवाल था, सवाल है 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1/3 के हिसाब से दर से, और CI है 4 गुना से अधिक हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल 4 गुना से कितने सालों में अधिक हो जाएगी। एक साल का अगर होता है तो आप जानते हैं कि 3 से 4 होता है, एक साल में 3 वाला धन 4 हो जाएगा। 2 साल में 1/3 के हिसाब से, यानी 2 साल में 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 4 4 का 16 और 3 3 9 हो जाएगा, 9 वाला 16 हो जाएगा 2 साल में। हमें देखना था कि 4 गुना से अधिक, आप देखिएगा तो 4 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष, यानी कि सभी 4 से 4 या 4 से अधिक, 4 से ध्यान देना होगा हमको। 2 साल का हुआ है, 3 साल का, इसको 3 3 9 3 27, 4 4 का 16 4 64 हो जाता होगा, 4 वर्ष में 3 3 9 3 27 81 और 64 4 जा 256। 4 साल में देख लेते हैं, ऑप्शन में है ये 4 गुना से अधिक होना चाहिए, 8 4 का 32 होगा, 25 ही है, ये नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे, 5वां साल का देखते हैं, ये 3 गुना फिर होगा, 3 8 3 24 243, और ये 6 18 5 10 6 4 24 5 5 21 6 4 24 और 2 10 24 हो जाएगा, ये 10 24 हो जाएगा, 10 24 होगा, सॉरी ये 10 24 होगा। अब देखना ये है कि क्या यहाँ से ये दुगुना 4 गुना से अधिक है क्या, 24 4 96, हाँ बिल्कुल अधिक है, यानी कि ऐसा लग गया कितना, ये 2 का पावर 5 3 का पावर 5 था, यानी कि 5 वर्ष में ऐसा हुआ होगा जो 4 गुने से अधिक हो गया है। बढ़िया सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कोई व्यक्ति 20,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से उधार लिया, उसे 3 वर्ष बाद चुकाना है, 3 वर्ष के लिए उधार लिया है, यदि वह प्रत्येक साल के अंत में 5,000 रुपया जमा करता है बैंक में, जिस पर बैंक भी उसे 10% ब्याज देता है, अच्छा कुछ लिया भी है और फिर जमा भी कर रहा है, 5,000 कर्जा लिया है, 4th साल के प्रारंभ में, यानी 3rd साल के अंत में, एक ही बात है, क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, चौथे साल के प्रारंभ में कर्ज चुकाने हेतु कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी। मतलब कि एक शुरू में कर्ज लिया है और उसके बाद 20,000 कर्ज लिया है 10% के दर से, 3 वर्ष में चुकाना था, लेकिन हुआ यह है कि हर वर्ष बैंक में जमा भी कर रहा है 5,000 और उसको क्या करता है कि 5,000 के हिसाब से उसको ब्याज बैंक देती है। आइए देखते हैं कि कितना देना पड़ेगा लास्ट में उसको। हमें पता है कि बैंक से जो कर्ज लिया है वो 10% के दर से है, हम दर को पकड़ेंगे फिर बन जाएगा, ये 1/10 रेट है, यानी कि 1/10 के हिसाब से ले रहा है, 3 साल तक लेगा अगर ब्याज तो 10 का 11 और 10 का 11 यानी कि 3 बार ऐसा, यानी 1000 प्रिंसिपल होता तो उसको लग जाता 1331 रुपया, 1000 होता तब, लेकिन प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 20,000 मूलधन है, यानी कि यही 1000 है, सो वास्तविक में 20,000 है, 1000 = 20,000 निकालना है हमको, 3 साल बाद व्यक्ति को कितना मृषधन लगेगा, यानी कि 1331 अमाउंट निकालना था, लिखेंगे ये 20 बार में कटेगा, गुना करेंगे ये 26620 होगा, हाँ देख लीजिए ये रुपया हमें चुकाना है, लेकिन ऐसा है कि ये कर्ज इतना 3 साल के बाद चुकाना है, लेकिन होता यह है कि व्यक्ति भी 5,000 रुपया के हिसाब से बैंक में जमा करता है पैसा,
यानी पहला साल 5,000 जमा किया, अगला साल भी 5,000 जमा किया, फिर लास्ट तीसरा साल के अंत में भी 5,000, हर साल जमा करता है 5,000 रुपया। यानी कि ये जो 5,000 था सो 2 साल और के लिए लग गया, 2 साल के लिए लगा रहा, और ये 5,000 एक साल के लिए लगा रहा। चूँकि शुरू में 5,000 दिया होगा तो एक इसके बाद ये 5,000 दिया होगा, लास्ट में ये 5,000 दिया होगा, 3 साल में जमा किया है बैंक में, अर्थात ये 2 साल तक लगा रहा, ये लगा रहा 1 साल तक, और ये आपका लास्ट में दिया है। यानी कि इस पर जो बैंक ब्याज दे रही हुई उसको वही 10% के 1/10 के यानी 10/11 दे रही हुई, यानी कि 5,000 का 2 साल तक 10/11 के हिसाब से दे रही हुई ब्याज, यानी कि ये इसका स्क्वायर कर देंगे आप, ये ब्याज दिया जा रहा होगा, और इस पर 1 साल का यानी कि 5,000 गुने 10/11 1 साल के लिए, और फिर ये 5,000 रुपया लास्ट में जमा करता होगा। इतना व्यक्ति के द्वारा टोटल जमा किया गया। तो हम पहले देख लेते हैं कि कितना जमा किया गया, उसको इसमें से घटा देंगे तो पता लगेगा कि लास्ट में कितना देना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप आसान करने के लिए 5,000 कॉमन ले लीजिए, 5,000 कॉमन लेंगे, ये मिलेगा आपको 121/100, 11/10 प्लस 1, और ये कैलकुलेट करेंगे आप तो LCM ले लें, 100 होगा, ये 121 होगा प्लस 110 प्लस 100 5,000, ये काटेंगे 20 से 20 कट जाएगा, ये जोड़कर आएगा आपका 331 रुपया, यानी कि 50 गुने, इसको कैलकुलेट कर लेंगे इधर हम थोड़ा, 50 गुने 331 आप कैलकुलेट करेंगे, 5 5 3 15 एक 1655 रुपया, यानी कि 16,000, ये 50 गुना कर रहे थे ना, 16,550 रुपया चुकाया है। यानी हमें कर्ज लिया गया था, हमें देना था टोटल 26,620 रुपया, और इसके द्वारा चुकाया गया कुल मिलाकर ब्याज सब जोड़कर 16,550 रुपया, अर्थात ब्याज कितना, इसको और कितना देना पड़ेगा, 26 में घटाएंगे जो आएगा आंसर होना चाहिए, ये 26,620 रुपया हमारा देना था, 16,550 था, घटा कर ये आया, यही आंसर है आपका।